मध्य प्रदेश के भिंड में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से भागे हुए चोर का वीडियो आजकल चर्चा में है, जिसके बाद मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया। वहीं अब इस मामले में खबर आ रही है कि कोतवाली पुलिस ने 17 घंटे में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास से इसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हुआ यूं कि भिंड के जिला अस्पताल में भर्ती एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी प्रद्युम्न उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के रेंडर थाना क्षेत्र के कसम मार गाँव का रहने वाला है, जो रेप के मामले में भिंड जिला जेल में बंद था। आरोपी के अस्पताल से भागने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। कैदी के फरार होने का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि आरोपी आराम से अपने बेड से निकल कर आता है और अस्पताल के रिसेप्शन पर पुलिसकर्मी बैठकर झपकी ले रहा है। धीरे से आरोपी अस्पताल से बाहर निकलता है और गेट पर पहुँचते ही दौड़ लगाने लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़ में आने के बाद कैदी ने कहा कि उसे प्रेमिका की याद आ रही थी, इसलिए वो अस्पताल से हड़बड़ी में निकलकर भाग गया था। न्यूज़ डेस्क।